रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य और मचका कोला रेलवे समिति के अध्यक्ष लक्ष्मण दास लधानी, भेरूमल गोपलानी, इंजीनियर जसपाल सिंह चावला, इन्होंने रेलवे मंडल प्रबंधक नागपुर के सामने गोंदिया शहर के रेलवे प्रवासियों को होने वाली परेशानियों के विषय में ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने मांग की कि डेली अप डाउन करने वाले प्रवासियों के लिए एमएसटी पास की सुविधा शुरू की जाए, जिससे उनको रोज रिजर्वेशन ना करवाने पड़े। गोंदिया शहर से संचालित सभी लोकल ट्रेन चालू की जाए, जिससे आम प्रवासियों की जेब पर दबाव ना पड़े। दुर्गा चौक से राजलक्ष्मी चौक का रेलवे फुट ओवर ब्रिज चालू किया जाए, जिससे जनता को आने जाने में सुविधा मिले। गोंदिया रेलवे सलाहकार समिति के साथ जिन्होंने रेलवे प्रशासन से वर्तमान में हो रही समस्याओं के रेलवे प्रबंधक महामंडल से हमने कुछ मांगे रखी है, आइए इनसे ही जानते हैं कि इन्होंने आज क्या मांगे रखी रेलवे प्रशासन की। हमने आज रेलवे समिति की तरफ से रेलवे प्रशासन को यही डिमांड की है कि रिजर्वेशन के काउंटर बढ़ाए जाएँ। तो एक ही काउंटर है जिसमें करीब एक से डेढ़ घंटा किसी को भी खड़े रहना पड़ता है, और अनरिजर्व तो रेलवे में सफ़र कर नहीं सकते, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि रिजर्वेशन काउंटर बढ़ाया जाए, यही हमारी डिमांड है। सेकंड, हमने एक जो है एमएसटी का महत्वपूर्ण विषय रखा है, क्योंकि जब से कोरोना काल से ट्रेनें बंद है, आज 18 महीने करीब हो चुके हैं, और 18 महीने से कोरोना काल से मंथली सीजन टिकट एमएसटी जो है बंद है, जिससे मध्यम वर्गीय जो लोग हैं, यात्री हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, लोगों की रोजी रोटी खत्म हो चुकी है। तो हमने जोर देके रेल प्रशासन को कहा है कि आप मंथली सीजन टिकट एमएसटी जल्द से जल्द शुरू करें, साथ ही लोकल गाड़ियां भी बंद हैं, जैसे गोंदिया से बालाघाट, नैनपुर, बल्लारशाह, जबलपुर, वड़सा, ये सब गाड़ियां, लोकल गाड़ियां भी 18 महीने से बंद हैं, जिससे एक मध्यम वर्गीय यात्री जो है उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ जो है सहन करनी पड़ती है। और लगातार निरंतर हम रेलवे से यही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो लोकल गाड़ियां शुरू करें और जो एमएसटी की सुविधा है वो देना शुरू करें। साथ ही मेरे मित्रों द्वारा भी कुछ मांग रखी गई है, तो आपको बताएंगे कि उनकी क्या मांग है। गोंदिया रेलवे स्टेशन के सामने वाली पुलिया जो पिछले दो सालों से बंद है को अभी दुर्गा चौक से चल के राजवीर चौक तक जाती है, पिछले 2 सालों से बंद है। जिसको पूर्वत की तरह शुरू करवाने के लिए भी हमने ज्ञापन में जो ज्ञापन दिया है उसमें मांग की है कि जो पुलिया दुर्गा चौक से राजलक्ष्मी चौक तक जाती है उस पुलिया को भी पूर्वत की तरह शुरू किया जाए, क्योंकि गोंदिया जो है दो भाग में बटा हुआ है और इस साइड के जो इस क्षेत्र के जो लोग हैं उन्हें पूरा घूम के मार्केट आना पड़ता है। तो ये जो रेलवे का पुलिया है दुर्गा चौक से राजलक्ष्मी चौक तक का, यह एक आम जनता के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, और कोरोना काल से यह पुलिया बंद है जिस वजह से लोगों को, खासकर गोंदिया शहरवासियों को बहुत तकलीफ हो रही है, और हमारे द्वारा ये पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि इस पुलिया को भी हम जल्द से जल्द रेल प्रशासन से स्वीकृति दिलवाएं खुलने की। गोंदिया शहर की पब्लिक आदि इसमें यहीं से चढ़ती है और उतरती है सामने वाली पुलिया से, गोंदिया शहर की आदि स्टूडेंट अगर सब यहीं से आना जाना होता है, रामनगर साइड वाले, कुड़वा साइड वाले आने जाने वालों को बहुत परेशानी होती है, क्योंकि अंदर ग्राउंड में पूरा पानी भरा रहता है, अंदर ग्राउंड में पूरे गड्ढे हैं, लाइटें बराबर नहीं है, तो लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। ये पुल से बहुत उधर से आने वाले बेचारों को, रामनगर वाले साइड वालों को आने के लिए पुलिया एक ही थी, वो पुलिया आज 2 साल से बंद है पुलिया। रेलवे अधिकारी से अनुरोध है जल्द से जल्द चालू करा जाए। और मैं एक खुशखबरी और भी देना चाहूँगा कि जो प्लेटफॉर्म टिकट थी जिसके दर कोरोना काल में 50 रुपये कर दिए गए थे, तो हम सब ने मिल के और हमारे अन्य साथियों ने मिल के उस टिकट के जो दर है उसे 10 रुपये करवा दिए गए हैं पूर्वत के पर। तो आज प्लेटफॉर्म टिकट जो है वो 10 रुपये हो चुकी है, इसीलिए हम रेल अधिकारियों का आभार व्यक्त करते हैं, और जितने हमारे तरफ से प्रयत्न प्रयास हो सकते हैं गोंदिया शहरवासियों की सुविधा के लिए, यात्रियों के लिए, वो हम निरंतर करते रहेंगे, ये हम आपको आश्वस्त करते हैं। BCN न्यूज़ से हर्षद चूटे गोंदिया की रिपोर्ट।